तो ये बड़ा मसला आजकल चल रहा है मेरे भाई अभी क्या हुआ हमारे एक दोस्त अहल हदीस उन्होंने कहीं तलाके वाके हो गई होंगी उनके खानदान में तो वो अल्लाह का खौफ है उनके दिल में उन्होंने मुझे मैं बता रहा मुत्तिन ये किसके लिए हिदायत है परहेजगार जो अल्लाह का खौफ होगा तो फिर होगा नहीं तो आपको हर आदमी कुरान और सुन्नत के नाम पे मंजन बेचेगा भी और आप उसे मंजन खरीदोगे भी आप सब कुछ मिल जाता है मार्केट में अभी चंद दिन पहले की बात है वो एल हदीस दोस्त हैं पंजाब में उनके कहीं रिलेटिव में तलाक़ें दे दी तो अब क्या हुआ है कि किसी एहलेीस मुफ्ती से उन्होंने फतवा पूछा तो एल हदीस मुफ्ती साहब ने ये बताया पता नहीं वो मुफ्ती थे भी दीनी थे वल्लम मुझे क्या पता लेकिन उनके बकौल को एल हदीस मौलाना उन्होंने फतवा दिया कि जी एक दिन में यानी तीन मुख्तलिफ़ मजलिसों में दोगे तो तीन होंगी एक मजलिस में दोगे तो एक होगी किसी ने एक तीन सुबह दे दी फिर दोपहर दे दी फिर शाम को दे दी तो तीन हो जाएंगी मैंने कहा यार ये पहली दफ़ा मसला आया है अब तक तो हम ये समझ रहे थे कि अहले हदीस ये कहते हैं कि एक तौहर में तीन हजार भी दोगे तो एक तलाक़ें होती हैं तोहर कहते हैं ख़वातीन को जब मेंसेस आते हैं तो एक मेंसेस के बाद जब दूसरे मेंसेस के बीच का जो टाइम है तो इसमें जितनी भी दोगे क्योंकि एक शरीयत के मुताबिक जायज़ है दूसरी देना जायज़ नहीं है तो दूसरी दे दी तो वो क्या होगी कल अदम अब ये नया फतवा आ गया है कि जी तीन मजलिसों में दोगे तो हो जाएंगी जितने मुंह ना उतने फतवे आपको मार्केट में मिलेंगे दीन तमाशा बनेगा कि नहीं बनेगा आप बताओ थोड़ी देर में तलाक के मसले में ना बाज एह हदीस बोलते हैं ये नया कॉल मेरे सामने आया है अभी बाज हदीस बोलते हैं हालत हेज में होती है दूसरे कहते हैं कुरान हदीस की रोशनी में हालत हेज में तलाक नहीं होती कुछ कहते हैं कुरान हदीस की रोशनी में हो जाती है कुछ कहते हैं कुरान हदीस की रोशनी में में हालत नहीं होती दोनों कहते हैं हम कुरान हदीस ही बयान कर रहे हैं और ये मुकलद ना बनना हनीफा शाफी क्या कहते हैं इनको फॉलो ना करना फॉलो किस को करना है कुरान को और हदीस को अच्छा जी आप बताएं कुरान हदीस क्या कहता है वो कहते हैं कुरान हदीस कुरानी कहता है हालत हेज़ में नहीं होती दूसरे से पूछेंगे वो कहेगा कुरान हदीस कहते हैं हालत हेज़ में हो जाती अच्छा जी चलो तीसरे से आप पूछेंगे अच्छा जी इकट्ठी तीन होती है कि नहीं होती वो कहेंगे एक मजलिस में दो तो होती है दो मजलिसों में दो तो नहीं होती कुरान कुरान-हदीस की रोशनी में ये सारे लेबल क्या लगा रहे हैं? कुरान-हदीस। दूसरे चौथे एहदीस आलिम से पूछेंगे वो कहेंगे कि नहीं एक मजलिस नहीं एक तोहर में जितनी भी दे दी एक महीने के अंदर अंदर वो सारी एक काउंट होंगी चाहे उस पहली तलाक के बाद रुजू किया हो या रुजू नहीं किया हो वो सारी कितनी काउंट होंगी एक होंगी वो कुरान हदीस की रोशनी में चौथे किसी हदीस मुफ्ती से पूछेंगे वो कहेगा कि एक तोहर में जितनी भी तलाकें दी हों अगले तोहर में दूसरी जब होगी जब पहले वाले तौहर में दीवी तलाकों से रुजू किया हो रुजू नहीं किया तो दूसरे तोहर में दूसरी भी नहीं होंगी ये चौथा कॉल है हदीस का तलाक के बारे में नहीं बात मेरा ख्याल है पांचवा कॉल एहले ही का कुरान हदीस की रोशनी में कि अगर किसी ने तोहर की हालत में बीवी को तलाक दी तोहर के पाकि के आई में और उससे दोबारा हम बिस्तरी कर ली दोबारा उससे क्या कर ली यानी रुजू कर लिया तो फिर तो अगले तोहर में तलाक होगी चाहे जबान से रुजू किया हो या, यानी हम बिस्तरी से भी सॉरी गलत कह दिया मैंने कि जिस तोहर में बीवी से हम बिस्तरी कर ली अब उस तोहर में तलाक देगा तो नहीं होगी तीन क्या तीन हजार देगा एक भी नहीं होगी क्योंकि ये खिलाफ शरीयत है शरीयत यही कहती है कि तोहर की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली तो आप तलाक नहीं दे सकते गुनाह मिलेगा ये कितने अकवाल हो गए पांच ये, ये किसकी रोशनी में कुरान हदीस सबका लेवल क्या है और रेफरेंसेज भी सबके पास हैं यानी आपने अगर जोजा के करीब चले गए उसके बाद आपने जोजा से अम्बिस्तरी की तो चूंकि यह नाजायज़ काम किया वो नाजायज तलाक नहीं होती लिहाजा आप तीन हज़ार भी दोगे तो एक तो दूर की बात एक भी नहीं होगी और छठा कॉल एहदीसी में वही वाला है जो जमहूर का कॉल है जो जमहूर का नहीं जो इजमाए कॉल है जो इजमाए उम्मत है कि नहीं भाई जिस तरह भी दो तलाक बहरहाल हो जाती है एक मजलिस में, जो हमारा वाला कॉल है ऐसे भी एहलेदीस हैं जो ये कहते हैं तो कितने कॉल हो गए छः और ये सब कुरान हदीस अब आप मुझे एक बात बताओ जब एक आमी आदमी तलाक देगा तो मार्केट में हर किस्म का फतवा कुरान और सुन्नत की रेफरेंस और लेबल के साथ अवेलेबल है या नहीं है ये जब है जब मौलवियों से फतवा ले रहा है अगर मौलवियों से बाहर निकल के गांधी साहब की तरफ जाता है लिबरल लोगों फिर तो क्या है फिर तो और ज्यादा आजादी है अगर वो चला गया कि नहीं ये मैं मौलवियों को मानता ही नहीं गामदी साहब जो कुरान और सुन्नत पेश करते हैं वो बड़ा ख़ानदानी है अयूब खान के दौर में आयली खवानी बनाने के लिए ना जब उलमा से राबा किया तो उलमा ने तो वही बताया जो अजमा उम्मत है चारों इमामों का कॉल है साहबा का कॉल है कुरान और हदीस की वो तशरी ली जाएगी जो साहबा कर रहे हैं जो चारों इमाम कर रहे हैं आप अपनी तरफ से तशरी हाथ क्यों कर रहे हो भाई तो उलमा ने बना के दे दिया ऐब खान को अयूब खान को समझ में नहीं आया मिस्र से मौलाना मौलाना को इम्पोर्ट करवाया अयूब खान ने उसने क्या किया कि एक्चुअली तीन हैज को नवे दिन कर दिया उसने क्या कर दिया तीन हैज़ को क्या कर दिया नवे दिन फिर उसने ये कानून बनाया और जो बाहर से लिबरल मौलाना आए ना वो मौलाना ही नहीं था पता नहीं कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे उन्होंने क्या किया तलाक के मसाइल में अब आप देखो ड्रामा और यही लॉ का हिस्सा बना दिया फिर अयूब खान ने इतने सारे यहाँ मौलाना थे किसी को लिफ्ट ये गवर्नमेंट ये धांधली करती है कि बजाय इसके कि फतवा लेके उस पर अमल किया जाए पहले एक राय कायम की उसके मुताबिक फतवा लिया जा रहा है आई बात समझ में यानी आपने एक कानून तो बनाना ही बनाना है अब उसको मुशर्रफ बा इस्लाम करने के लिए आप मार्केट से हर टाइप का मौलवी आपको मिलेगा तो उस जमाने में पाकिस्तान में इतने लिबरल मौलवी अब तो मिल गए अब तो बाहर जाने की जरूरत नहीं मिस्र में मिलते थे तो उसने कहा मिस्र से इंपोर्ट करवाओ किसी मौलवी को मिस्र में मौलाना साहब आए उन्होंने कहा कि तलाक का ये सेटअप ही गलत है जो मौलवियों ने बताया हुआ है ये जबान से दी हो गई ये कोई नहीं है कुरान की आयतें कोर्ट की मैं बताता हूँ कि फ़बराथ वहाम मिन अली ही वहाकाम मिन मना अली हा ने कहा तलाक से पहले सुलो की कोशिश करो तो वो तो हम भी कहते हैं कोशिश करो लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि सुलो की कोशिश के बगैर तलाक़ दे दी तो होगी नहीं ये कहाँ लिखा हुआ है लेकिन कहा नहीं असल में इस्लाम एक्चुअली क्या बता रहा है कि सुलो की कोशिश लिहाजा यूनियन कौनसल में पहले मुसाहत की कोशिश होगी ऐसे ही नहीं तलाक हो जाएगी बैठे बैठे दे दी तो फिर मुसाहत की कोशिश के बाद भी अगर डिवोर्स होती है तो फिर नवे दिन तक मियाँ बीवी को संभलने का नाइन्टी दिन में इंतखात होते हैं ना मौका दिया जाएगा इस्लाम कह रहा है रुजू का हक है तीन हैज़ तक उसने हैज को ख़त्म करके नाइन्टी डेज इस तरह करके ऐसा चूचू का मुरबा बनाया ना वो अदालतों में चल रहा है मानता उसको जज भी नहीं है क्योंकि जज को भी पता है कि यार ये कोई भी सोसाइटी में मानेगा ही नहीं है इसको मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात इसलिए कुरान क्या कह रहे हैं भाई इससे फ़ायदा वो उठाएंगे जिस जो अल्लाह से डरते हैं चाहे वो मौलवी हों मजहबी स्कॉलर हो या आम लोग हों जो नहीं डरेगा भी ही कसीरन कुरान कहता है इसी कुरान से गुमराह करूंगा मैं उसको जहां कुरान की अल्लाह ने यह सिफत बयान की है यहदी भी ही कसीरन बहुत से लोगों को अल्लाह हिदायत देगा इसके जरिए वहीं कुरान कह रहे है। बहुत से लोगों को मैं कुरान के जरिए क्या करूंगा गुमराह करूंगा तो इसलिए मेरे भाई पहले आप ये अपने ऊपर अल्तज़ाम करें कि मैंने हक को फॉलो करना है मैं जो बात करूंगा क़्यामत के दिन मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा मैं अगर कहीं से फतवा लेने जाऊंगा मैं अल्लाह को एक्सप्लेन कर सकूंगा कि अल्लाह ये 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 मैंने इसलिए ले लिया था मिसाल के तौर पर यहां तलाक में तो बहुत हो रही है फतवा ना तलाकें दे के हदीस से फतवा मैं उनसे कहता हूं तुमने आज तक फिके हनफी को फॉलो किया है अब हदीस के पास क्यों जा रहे हो बाज जाते हैं सऊदी अरब से फतवा लेकर आते हैं याद रखो सऊदी अरब के उलमा कोई जमजम से धुले हुए नहीं है हमारे जैसे ही इंसान है तो लोग समझते हैं कि चूंकि सऊदी अरब है तो वो तो बहुत पहुंचे हुए हैं ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो वहां भी हर तरह के हैं अच्छे भी हैं बुरे भी हैं जैसे हमारे हैं एक नंबर भी हैं दो नंबर भी तो सऊदी अरब में भी दोनों चीज़ें मार्केट में हैं ये नहीं कि किसी मुफ्ती पे मक्का का लेबल लगा हुआ है तो बस वो बहुत पहुंचा हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वहां भी हुकूमतों के दबाव बहुत है वहां पर अब वहां हम तो मेंबर पे जो जितनी खुल के बात कर रहे हैं ना सऊदी अरब में आप नहीं कर सकते ये तो यहां ये तो हम तो कम से कम बता तो सकते हैं कि कौन ड्रामे कर रहा है वहां तो ये भी नहीं है तो आप फतवा कहां से लेने जा रहे हो सऊदी अरब से वाह वाह आज तक सऊदी अरब का उसूल ये था कि जब भी कोई पाकिस्तान से फतवा लेता ना मांगता सऊदी ओलमा से सऊदी ओलमा रेफर करते कि अपने इलाके के ओलमा से फतवा ले आप अब तक ये चला आ रहा था अब ये चेंज हो गया है वह ना अब तक यही हो रहा था लेकिन अब नहीं होता अब तो वो यहाँ से भेजे वहां से भेजे अब चला जाता है फतवा कोई क्या फतवा दे रहा है कोई क्या फतवा दे रहा है एक अजीब चूचू का मुरब्बा बन गया है मुझे लगता है कि ये जो अभी स्टाइल चल रहा है ना हमारा फतवा में मसाइल में इससे उम्मत को कोई नई ताकत आके गुमराह करने की ज़रूरत ही नहीं है ये मुसलमान खुद ही दिन से बेजार आ जाएंगे यार उस मुफ्ती से पूछो वो कुछ और कह रहा है उससे पूछो उसका कुरान हदीस कुछ और है उससे पूछो उसका कुरान हदीस कुछ और है उससे पूछो उसका कुरान हदीस कुछ और है ये वही है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत में अल्लाह को उठाएगा लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे जाहिल से मुराद क्या है जिनके पास दीन के इल्म में रसूख नहीं होगा या रसूख तो होगा मगर तकवा नहीं होगा उनमें तो खूब समझ लें जब भी किसी से आप फतवा लें दो शर्तों का होना ज़रूरी है नंबर एक इसने इल्म प्रॉपर वे में हासिल किया है कि नहीं किया नंबर दो इसमें तकवा है या नहीं है और एक और चीज़ ये आपको जमूर से काट तो नहीं रहा कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है तो तीसरे नंबर पर मैंने बयान की है बल्कि इसको सबसे पहले नंबर पे ऐसा तो नहीं है कि ये आपको जुमहूर उम्मत से क्या कर रहा है काट रहा है कोई नई चीज तो नहीं ला रहा मार्केट में देखो साइंसी ईजादात जितनी नई हो उतनी अच्छी हैं खूब समझ लें ये पॉइंट की बात साइंसी ईजादात जितनी जदीद हो उतनी अच्छी है ना लोग कहते हैं अभी यह पुरानी तहकीक है ये क्या है पुरानी जदीद तहकी है मज़बी तहक़ीक जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी जितनी जदीद हो उतनी गंदी है वो कैसे समझाएं यार अब मेरे पास इंग्लिश में अगर आप तर्जमा कर लें लोगों के लिए आप कर लेंगे मैं समझा पा रहा हूँ भाई ये मेरे वाजो नसीहत की मजलिस होती है इसमें ये टेक्निकल बातें मैं इस बयान में करता नहीं हूँ लेकिन अब क्या करें आज सेटअप ऐसा चल रहा है ना लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है ख़राब हो गए हैं हर चीज़ का इनकार हर चीज़ का इनकार पहले इंसान गुना करता था तोबा करता यार अल्लाह के सामने अब तो गुना पे लेबल लेबल लगाते चले जाओ यार हर बुराई को क्या तलाक़ें देते थे पहले लोग पछताते थे रोते थे गिड़गिड़ाते थे दोबारा शादी होती थी सौ दफा सोचते थे यार अब जबान ये लफ्ज नहीं निकालेंगे अब क्या है उधर तलाक़ें दी उधर उधर वो, वो मिस्र से फतवा फ़, मंगवा रहा है वहाँ से सऊदीया से सलफ़ियों का फतवा मंगवा रहा है उधर से फ़लाने का फतवा मंगवा रहा है फिर मियाँ बीबी मिलके मिल के आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाला मुनासिब रहेगा ये ये वाला फतवा बेगम और सब पे कुरान और हदीस के रेफरेंस हम जब बोलते हैं कि वो मुश्तदीन उम्मत के वो रिसर्च करने वाले लोग जिन पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है जो ताबीण तब तबाताबइी के दौर के थे वो पहले ये रिसर्च ये वो कदीम रिसर्च है कदीम रिसर्च ये है कि इकट्ठी ती तीन जिस तरह भी दो एक मजलिस में दो अलग अलग मजलिस में दो जान कर दो भूले से दो हालत हमल में दो हैज में दो आपका सेटअप क्या हो गया फिनिश खत्म ये कदीम तहकीक है ये सही है सारे सहाबा का यही फतवा है उसको कहते हैं ये अंधे मुकल हैं ये अपने मसलक को प्रोमोट कर रहे हैं मसलक को हम नहीं कर रहे मसलक को आप कर रहे हो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही मसलक को आप प्रोमोट कर रहे हो हम तो आपको मसलक की जकड़बंदियों से निकाल के कदीम मुश्तन की तरफ लेके जा रहे हैं उनकी पुरानी तहकीक है वो सही है अब जो तहकीकात मार्केट में आ रही हैं वो ख्वाहिशात से मुजय वो ख्वाहिशात के असरात हैं उसके अंदर उसमें मसलक को प्रोमोट करना है कितनी दफ़ा मेरी अहदीज से बात हुई है यार तीन तलाक पर बात करो नहीं बात करते क्यों उनको पता है कि मसलक का नुकसान होगा इससे जब दलाइल के अंबार लगाएंगे ना हम तलाक पर कुरान से अहदीत से तो नुकसान किसको होगा मसलक डैमेज हो जाएगा ये जो हाफ सदीक रजा से मेरी नहीं बहस हुई थी मैं बार बार कह रहा था कि आप तीन तलाक के मौजू पर बात करो क्योंकि आप लोग तीन को एक करार देकर जेना का दरवाज़ा खोलते हो वो इस पर एगरी नहीं उन्होंने कहा तकलीद पर बात होगी बात किस पर होगी फिर मैं राजी हो गया चलो मैंने कहा ठीक है मैं तकलीद पे पहले बात करूँगा उसके बाद फिर तीन तलाक पर बात होगी क्योंकि ये मसला हलाल हराम का है फिर मैंने मोहतरम से कहा कि ठीक है तकलीद पे बात करने के लिए अभी मुनाजरा बाद में होगा पहले हम तकलीद की डेफ़िनेशन को तय करेंगे बैठ के तकलीद आप कहते किसको हैं वरना मुर्गों की तरह लड़ाई होगी ना तो तकलीद को हम एक्सप्लेन करेंगे बैठ के ताकि तकलीद की लगी बंदी एक तारीफ हो फिर उस तारीफ़ से आपको और मुझे हटने की इजाज़त नहीं होगी तो अगले स्टेप में हम उस पर क्या करेंगे बहस करेंगे उन्होंने आने के बाद दो गड़बड़ें कि सबक फिर पड़ सजावत का अदालत का शुजात का लिया जाए जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का सबक फिर पड़ सजावत